राजस्थान की राजधानी जयपुर को सन 1727 में बसाया गया था और यहाँ का नाम राजा जय सिंह के नाम पे पड़ा। आज इस महाराजाओं के शहर के कई नाम हैं, पिंक सिटी या गुलाबी शहर, पेरिस ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान के नोबल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी ने इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम भी दिया। जयपुर मेरी भी इंडिया की पसंदीदा जगहों में से एक है और आज मैं आपको जयपुर को अपने नजरिए से दिखाता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको जरूर मजा आएगा और शायद आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाए। शुरुआत करते हैं जयपुर के महाराजाओं के घर यानी सिटी पैलेस से। सुप्रभात इस बेहद खूबसूरत शहर जयपुर से। इस विजिट में हम लोग कुछ बहुत स्पेशल करेंगे। हम लोग यहाँ के सिटी पैलेस में जो किंग्स पैलेस है वहाँ पे रहेंगे। आई हैव वन डे टू स्पेंड हेयर एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी अच्छी तरह से आपको जो भी गेस्ट एक्सेसिबल एरियाज है वो दिखाऊँ, यहाँ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिखाऊँ और आपको भी मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जर्नी पे ले चलूँ। यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ये रूम ये एक्सपीरियंस एयरबीएनबी पे बुक करना पड़ेगा। मैं उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट वेकेशन में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे रूम के टूर की। आई नो अभी मैं पीकॉक गेट के सामने खड़ा हूँ बट मेरा रूम इसके बगल में ही है। सो अभी हम अपने रूम जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर लंच वगैरह करेंगे। सिटी पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1732 में खत्म हुआ और तभी से जयपुर की रॉयल फैमिली यहाँ रहती है, इंक्लूडिंग द करंट महाराजा पद्मनाभ। मेरी उनसे तो मुलाकात नहीं हुई पर आलीशान जिंदगी जीने का एक मौका जरूर मिला। तो जब आप एयरबीएनबी के स्पेशल एक्सपीरियंस में सिटी पैलेस में रुकते हैं तो जो उसका हाईलाइट एक्सपीरियंस होता है वो होता है यहाँ का डिनर जो शीश महल में होता है। तो नेक्स्ट इट्स टाइम टू गो एंड हैव सम अमेजिंग फूड इन अ प्लेस व्हिच इज वेरी 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 यूनिक एंड एक्चुअली इनएक्सेसिबल। अगर आप यहाँ पे एज अ गेस्ट नहीं रुकेंगे तो आप शीश महल में जाके डिनर भी नहीं कर सकते, इट्स लाइक दैट। सो या नेक्स्ट इज डिनर एंड आई डोंट नो व्हाट्स बीइंग कुक्ड बट सुपर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फूड नेक्स्ट। सिटी पैलेस में रहने का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत सरियल था और शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगले दिन की शुरुआत मैंने आराम से की। एजेंडा सिंपल था, जयपुर के नामचीन पर्यटक स्थलों को घूमना। जब आप जयपुर आते हैं देन वन ऑफ द मस्ट डू थिंग्स हियर इज टू विजिट जंतर मंतर। तो जंतर मंतर एक काफ़ी ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है, जैसे बहुत कम साइट्स इंडिया में है नहीं, तो यहाँ आना काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ के बारे में थोड़ा समझना, थोड़े अपने साइंस अपनी हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जंतर मंतर दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है जंतर जिसकी मीनिंग है यंत्र, संस्कृत वर्ड यंत्र से डिराइव हुआ है, और मंतर मीन्स टू कैलकुलेट। सो बेसिकली दिस इज़ अ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ ह्यूज जायंट कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद जंतर मंतर थोड़ा जादू टोने से रिलेटेड वर्ड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको हटा ही दीजिए, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक प्लेस। यहाँ बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस किए जाते हैं एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड। उसमें जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो टाइम ऑफ द डे, बट दैट्स रियली द स्मॉलेस्ट ऑफ दम ऑल। दिस वॉज यूज टू कैलकुलेट प्लैनेटरी पोजिशन, सीजन्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो काफ़ी हमारे देश के साइंस के एडवांसमेंट को भी दिखाता है ये स्थान। तो yeah, I think if you're coming here, bring your kids along as well. The appreciation for our ancestors will go up by multifolds once you visit this place.
So next we are going to the landmark that's unarguably the face of Jaipur across the country and the world. मैं बात कर रहा हूँ हवा महल के बारे में जो मेरे पीछे ही दिखाई दे रहा है. सिटी पैलेस के बगल में ही है तो मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं यू कैन जस्ट बाय अ कॉमन टिकट एंड सी ऑल ऑफ दीज इन वन गो. सो ये जो महल है ये एक्चुअली एक दूसरे महल से काफी इंस्पायर्ड है जिसको कहते हैं खेतरी महल, जो शेखावती हवेली है. बहुत खूबसूरत हवेली है, राजस्थान में ही है. इस महल का जो सबसे लैंडमार्क पार्ट है वो है इसका बैक साइड का हिस्सा जो महाराजा थे उनके ईष्ट देव श्री कृष्णा के मुकुट से इंस्पायर्ड है. तो वो इट लुक्स लाइक अ क्राउन ऑफ श्री कृष्णा. इसको हवा महल कहने का एक इंटरेस्टिंग रीजन भी है. यहाँ पे पुराने जमाने में महारानियाँ और उनकी दासियाँ बैठ के नीचे की लाइफ को देखते थे फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द पैलेस, क्योंकि उधर ही पीछे एक मेजर स्ट्रीट भी है. दे वर एक्चुअली नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट द पर्दा, सो द ओनली वे फॉर देम टू सी हाउ लाइफ वेंट बाय इन देयर सिटी वाज थ्रू दैट प्लेस. उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ काफी अच्छी ठंडी हवाएं भी आती है. इन्हीं दोनों कारणों की वजह से इसका नाम हवा महल पड़ गया. ज्यादा तो लोग जो जयपुर आते हैं हवा महल के सिर्फ बैक साइड को देखते हैं, जो श्री कृष्णा के मुकुट से इंस्पायर्ड शेप है उसको देखते हैं. दो द एंट्रेंस इज कम्प्लीटली ऑन द अदर साइड. तो अगर आ पाते हैं तो जरूर एंट्री टिकट लेके अंदर आइए एंड देन यू विल सी द पैलेस एंड हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है. कुछ बच्चे लोग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं झाड़ू से. तो लेट मी गो एंड फाइंड देम एंड टॉक टू देम, देखते हैं जरा माजरा क्या है. आरसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जो जयपुर में ही है. सर दिवाली ओकेजन से पहले कर रहे हैं मान लो आप. भाई हमारे काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ ऑलरेडी, उन्होंने यूज किया, आज हमारा नंबर है. महल घूमने के बाद मेरा प्लान कुछ अलग सा था, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर आरजे से मिलना और उसके साथ जयपुर घूमना. इसके लिए हम जयपुर के सबसे नए और इंस्टाग्रामेबल दरवाजे यानी पत्रिका गेट पे मिले. ऑलराइट, तो हमारे जयपुर सेकंड फेज एक्सप्लोरेशन शुरू हो गए और आज हमारे साथ नए हैं. हमारे साथ आरजे जी हैं, राजेंद्र जी. राजेंद्र, तो राजेंद्र काफी बेहतरीन फोटोग्राफर है जयपुर के, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं. पाइनेट ट्रैवल का शौक है, किसको नहीं होता, मेरी तरह सभी सबको होता है. हाँ, ही ऑल्सो वर्क्स एंड हिज वर्क इज प्रीटी कूल क्योंकि उसके हिसाब से भी इनको घूमने का मौका मिलता है और शूट करने का मौका मिलता है. सो इट्स रिलेटेड वर्क विच इज ऑसम. तो आरजे मुझे दिखाने वाले हैं जयपुर आज और कल. हम लोग का प्लान है कि हम कुछ मेरे लिए नई नई जगह, नथिंग इज न्यू फॉर हिम ऑफकोर्स, तो हम लोग साथ में घूमते हैं एंड विल सी सम मोर जयपुर थ्रू द आईज ऑफ मिस्टर आरजे. नेक्स्ट हम गए एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो सन 1887 में बनाया गया था. इसका नाम किंग एडवर्ड द सेवेंथ के नाम पे है क्योंकि उनकी विजिट के टाइम पे ही इस म्यूजियम का शिलान्यास भी किया गया था. शाम को हमने आरजे के स्कूटर पे बैठकर जयपुर की सैर की. हमारा फोकस दो चीजों पे था, पहला जयपुर की बेस्ट चाय पीना जो हमने पी गुलाब जी की चाय शॉप पे, दूसरा फोकस था यहाँ का सबसे बेस्ट लोकल और नॉन टूरिस्टी खाना खाना जो हमने खाया महावीर रबड़ी भंडार पे. आरजे को गुड बाय करने से पहले हमने अगली सुबह का एक एम्बिशियस प्लान भी बना लिया और ये प्लान मेरी इस ट्रिप का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा. सो अभी कुछ सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं पहुंच गया हूँ हवा महल पे. प्लान है कि आज सुबह यहाँ पे आरजे से मिलूंगा, फिर विल गो टुगेदर ऑन अ बाइक टू सम हाइकिंग प्लेस एंड एक्सपीरियंस द सनराइज देयर. ये कोई लोकल्स का फेवरेट हॉटस्पॉट है जहाँ पे जो सिर्फ जयपुर वाले वही लोग जानते हैं. दे गो देयर एंड एक्सप्लोर इट इन द मॉर्निंग. द स्टूपिड थिंग दैट आई डिड टुडे वाज दैट आई वोर दिस टी शर्ट. मैंने एक्चुअली निकाल के रखी थी एक रेड कलर की शर्ट जो मुझे आज पहननी थी फॉर गुड पिक्चर्स, विच आई बॉट इन जयपुर ऑल्सो.
और वो मैं बेवकूफ़ी की तरह पहनना भूल गया. सो बेसिकली दैट मीन्स दैट आई एम गोना बी स्टक विद दिस टी शर्ट, द सेम टी शर्ट दैट आई स्लेप्ट इन लास्ट नाइट, बिकॉज रियली आई नीड टू प्रायोरिटाइज गुड क्लोथ्स इन माई लाइफ ताकि फोटोज अच्छे आ जाए भैया. लेट्स सी व्हेन आरजे कम्स एंड देन वी विल हेड ओवर टू दिस सीक्रेट स्पॉट. ऑलराइट, तो अभी कुछ सुबह के क्या टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं कहीं पे. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये नाहरगढ़ का एक छोटा सा ट्रैक और आगे एक ब्यूटीफुल सा व्यू. तो बेसिकली हम लोग लोकेशन बताएंगे नहीं क्या है. नो, आई एम श्योर पीपल नो दिस लोकेशन. जो जयपुर वाले हो जानते हैं, बहुत कम लोग, जयपुर वाले भी बहुत कम जानते हैं. तो यहाँ थोड़ा बाइक पार्क करते हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रैक करके बेसिकली वॉक करके आगे जाना है एंड देन वी विल सी अ ब्यूटीफुल सनराइज टुडे. तो या लेट्स गेट गोइंग. सो आरजे भाई सुबह सुबह 5 बजे उठ के चाय बना के लाए, एक्चुअली 4 बजे उठ के चाय बना के लाए ताकि हम ये सनराइज स्पॉट में बैठ के चाय पी सकें. आई विल जज यू ऑन द चाय. ऐसी जगहों पे आकर मुझे हमेशा दिल में कुछ ख्याल से आते हैं, मैं इतना ट्रेवल क्यों कर रहा हूँ, किस चीज की खोज कर रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ जिंदगी में. जब ऐसे कुछ पलों के लिए थमता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है और फिर लगता है कि ना जाने कभी जिंदगी खत्म हो जाए. जब तक जान है सफर चलता रहे तो ही अच्छा है. और ये सवाल भी साथ साथ शायद चलते ही रहेंगे. सो हमारा फर्स्ट मॉर्निंग एक्सकर्जन जो था हाइकिंग वाला वो हो गया है एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जलमहल. जल महल के आसपास चिड़ियाएं हैं. इट सीम्स आई हैव सीन ब्यूटीफुल रील्स फ्रॉम देयर, सो दैट्स माय मोटिवेशन टू गो दैट साइड. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. ऊपर से भी सुंदर दिख रहा है पर आई थिंक नीचे से ज्यादा ही सुंदर दिखेगा. तो अभी जाते हैं नीचे बाइकिंग एंड देन लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग एंड वी विल सी सम बर्ड्स होपफुली. में बना ये महल जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहाँ की चाय जल महल के बगल में बड़ी अच्छी होती है. अंकल जी जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया ढेर सारी अदरक डाल के चाय बनाए. अंकल जी आपका नाम क्या है? मोहनलाल. मोहनलाल आप जयपुर से ही हैं? हाँ यस. तो चाय आप हमेशा से बना रहे हैं? हाँ, कितने सालों से? वही 30 साल. तो 30 साल से, तो मतलब मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है चाय बनाने में. यही बना रहे हैं. तो ये अंकल जी फेमस है, अगर आप यहाँ आते हैं तो मोहनलाल जी की चाय. बिल्कुल पूरा वेलकम राजस्थानी आपको मिलेगा यहाँ पे. जल महल के बाद हमने फिर से एक दूसरी हाइक का प्लान बनाया. तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं गलता जी के मंदिर में, विच इज एक्चुअली इन द सिटी इटसेल्फ, थोड़ा पहाड़ के पीछे है, पहाड़ के ऊपर है. थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है नीचे गाड़ी पार्क करके. तो ये मंदिर काफी प्री हिस्टोरिक मंदिर है. यहाँ पे 7 कुंड है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आके नहाना इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज. तो लोग यहाँ पे आके जरूर स्नान करते हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू द मंकी टेम्पल, जो आरजे जी का फेमस फेवरेट टेम्पल है. द प्लान इज टू गो अप, catch up with the monkeys, feed them, and then see what's happening next. Let's go hike up now. ये मंदिर प्रख्यात है अपने बंदरों के लिए भी, जो इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते. Of course, ये आपसे खाना डिमांड करेंगे और कभी कभी आपका फोन या बैग लेके भाग भी सकते हैं. So be careful. जो करंट टेंपल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा पुराना नहीं है और उसे 18वीं शताब्दी में ही बनाया गया था. और माना जाता है कि ये स्थल हमेशा से ही पवित्र भूमि रहा है. So,
जब आप जयपुर में आते हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है यहाँ पे एक वर्कशॉप करना जो ब्लू पॉटरी में होती है। ब्लू पॉटरी जयपुर की काफी आइकॉनिक आर्ट फॉर्म है, चाहे वो जी आई मार्क भी है। इट्स अ 2 आवर वर्कशॉप, यू लर्न अ लॉट और उसके बाद आप एक्चुअली ट्राई आउट भी करोगे पेंटिंग खुद की, और फाइनली आप उसको फायर करने के बाद सारे कलर्स के साथ यू विल गेट व्हाट यू क्रिएट एज़ इट। लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। जो ब्लू पॉटरी है और जो बाकी अलग अलग तरह की पॉटरीज होती है उनके बीच में एक की डिफरेंस है जो मुझे अभी भी पता चला है, एंड दैट इज द फैक्ट कि जनरली जो आप पॉटरी होती है वो क्ले से करते हो। मैंने भी 2 हफ्ते पहले एक क्ले वर्कशॉप किया था जिसमें पॉटरी कर रहे थे, बट ब्लू पॉटरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग हाउ इट इज। तो ये क्वार्ट्ज स्टोन है एंड दिस इज सोर्स्ड फ्रॉम नियरबाय। इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है जो काफी फाइन पाउडर होता है, एंड दिस इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग द पॉटरी। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग टुडे कि ब्लू पॉटरी में क्ले नहीं होता है, उसमें स्टोन होता है 100%। एक्चुअली स्टोन भी नहीं, दिस इज मोर लाइक सिलिका, सो दिस इज लाइक ग्लास। मुझे उम्मीद है आपको जयपुर से ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर से भी जरूर शेयर कीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।